गाजीपुर में गंगा के जल स्तर में वृद्धि का क्रम जारी है। नाला के माध्यम से नगर के कुछ निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ के बीच डीएम आवास की चार दीवारी से सटे नाला पर बने पुलिया पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इससे सड़क में दरार पड़ गई है, जिससे पुलिया के कभी भी ध्वस्त होने की संभावना बनी हुई है। मौके पर पहुंचे सदर तहसीलदार ने पुलिया का जायजा लेते हुए संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। मालूम हो कि कचहरी विकास भवन मार्ग पर शास्त्री नगर के पास स्थित जिलाधिकारी आवास की चार दीवारी से सटकर बड़ा नाला गुजरता है। इस नाले पर बनी पुलिया काफी पुरानी है। बाढ़ आने पर यह नाला पूरी तरह से भर जाता है और इसके माध्यम से नगर के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाता है। इस समय भी बाढ़ के कारण पुलिया के आस पास का एरिया पानी से भरा हुआ है। पानी के दबाव से पुलिया के एक तरफ से सड़क के किनारे के कुछ एरिया में दरार पड़ गई है। इसको देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उक्त स्थान पर किसी वाहन का भार पड़ा तो पुलिया ध्वस्त हो सकती है। इस पुलिया पर 24 घंटे लोगों का आवागमन होता रहता है, ऐसे में इसके कभी भी धराशायी होने की संभावना बनी हुई है। स्थिति की जानकारी होने पर सदर तहसीलदार मुकेश सिंह ने मौके का मुआयना करते हुए नगर पालिका को इससे अवगत कराया है। मौके पर पहुंचे नपा अधिकारियों ने स्थिति को देखते हुए संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें।